सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। बहुत समय ऐसा होता है कि हम जब घर में दाल बनाते हैं तो वो बहुत थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद इसे आप बिल्कुल मत फेंकिएगा। दाल को हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, थोड़ा सा सुखा लेंगे। सुखाने के बाद उसमें हम थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ ऑनियन और चॉप्ड किया हुआ हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसका एक फिलिंग बना रही हूँ मैं, और मैं यहाँ पर दे रही हूँ अचार का जो मसाला होता है ना, वो आप किसी भी अचार का मसाला दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, थोड़ा सा खट्टा खट्टा के लिए। ये बहुत अच्छा सा एक पूड़ी बनाऊंगी मैं। ये मैं अभी फिलिंग तैयार कर रही हूँ और पहले से ही मैंने मैदे को छान के रख लिया है। उसे मैं उसमें जस्ट थोड़ा सा पानी, जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने मैदे को भी छान लिया है। वो ऑलरेडी रखा हुआ है छान के, और उसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा है। और मैं अभी इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। बस ये फिलिंग जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप दाल को बिना फेंके अच्छे तरीके से पूड़ी बना के, इसके अंदर फिलिंग्स भर के पूड़ी बना के बहुत ही अच्छा ये टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो मैंने पहले से मैदा को छान के रखा था वही मैं क्या कर रही हूँ, अब थोड़ा सा बेल के, थोड़ा सा तेल लगा लिया है मैंने उसको बेल के, अब मैं इसके अंदर एक फिलिंग भरूंगी। देखिए अब मैं इसके अंदर फिलिंग्स भरूंगी। फिलिंग थोड़ा मत दीजिएगा, थोड़ा ज्यादा करके फिलिंग भरिएगा, जिससे कि ये पूड़ी जो है वो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगे। और ये जो पूड़ी है वो आप किसी के साथ भी खा सकते हो, सब्जी के साथ खा सकते हो, या फिर सिर्फ अचार के साथ, या फिर टमाटो सॉस, हरी चटनी किसी के साथ भी खा सकती हो। बहुत टेस्टी होता है खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं बहुत समय, इसलिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए ये जो है मैंने इसमें जो फीलिंग्स था वो भर लिया है। अब आप देख रहे हो एक बेलन में, एक बेलन चक्की में मैंने बहुत सारा मैदा लिया है। इसे मैं हाथ से ही फैलाऊंगी, फैलाते रहूंगी, नहीं तो इसमें अगर मैं बेलन चलाऊंगी ना तो ये बहुत ज्यादा फट जाता है। इसलिए मैं इसको क्या करूंगी, हाथों के सहारे ही, आप देख सक रहे हो मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथों के सहारे ही मैं इसको फैलाऊंगी और इसको जितना बड़ा हो सके मैं उसको बनाती जाऊंगी। और ये थोड़ा सा साइड से थोड़ा सा फट जाता है कभी कभी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इससे फीलिंग जो है पूरे तरीके से बाहर नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हो सके आप इसे हाथ से फैलाते रहिए। और मैं इसे थोड़ा सा तेल में ही फ्राई करूंगी, बहुत ज्यादा तेल में मैं इसको नहीं फ्राई करूंगी, डीप फ्राई नहीं करूंगी। अगर आपको डीप फ्राई करना है तो वो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो हम मैदा को हमने अच्छे से फैला लिया है, उसके बाद मैदे को थोड़ा सा झाड़ लेना है। झाड़ के उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक इसको फ्राई पैन में दे दिया है और नीचे जो है वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक तरफ जो है थोड़ा सा हो चुका है, कम्प्लीटली नहीं हुआ है, और इसे हमें लो फ्लेम में करना होगा। इसे ना हाई फ्लेम में मत दीजिएगा, नहीं तो अंदर जो है वो कच्चा रह जाएगा, क्योंकि ये मैदे का है, अंदर कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम में देख के इस तरीके से दबा के घुमाते रहना है, जिससे कि ये बीच से भी अच्छे तरीके से पक सके। सिर्फ साइड से नहीं, बीच से भी हमको अच्छे तरीके से पकाना है, इसलिए हम इसे इस तरीके से दबा के प्रेस करते हुए इसे घुमाते रहेंगे, जिससे ये अच्छे तरीके से बीच से भी पक सके। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये दाल पूरी, और ये आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनती है। आज का ये वीडियो बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।